नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ आयुष चत्रांश। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल यात्रा और रैलियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि जनता को इन रैलियों और यात्राओं के माध्यम से अपने एजेंडे से रूबरू करवाया जा सके। एक ओर उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की विजय संकल्प यात्रा संचालित हो रही है तो दूसरी ओर प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस भी अपनी यात्रा और रैलियों की शुरुआत करने वाली हैं। अब आगामी चुनाव को लेकर भाजपा जल्द ही प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा और विजय संकल्प रैली निकालने वाली है। इसके लिए भाजपा ने तैयारियां की। हालांकि ये दोनों ही रैली और यात्रा अगले सप्ताह देहरादून से शुभारंभ होगा। अब यात्राओं के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए रथ रवाना किए जाएंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में कांग्रेस को परिवर्तन रैली और तीसरे चरण का आगाज भी होना है। कुल मिलाकर के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए रैलियां कर रही। यही नहीं, यात्रा और रैलियों के जरिए पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन करने के साथ जनता के बीच अपने एजेंडे को प्रसारित करेंगी ताकि जनता के वोट को अपने पक्ष में करें। अब सत्ता की कुर्सी ऐसे में किसको मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यात्राओं का और रैलियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले यात्राओं और रैलियों का पुराना दौर रहा है और एक बार फिर से आपको यह देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अब नजदीक हैं और सभी पार्टियों ने इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली है। सेकंड सप्ताह में दिसंबर के अपनी दो बड़ी कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। एक जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी संभवतः इसी सप्ताह में शुरू हो जाएगी, उसका नाम हमने विजय संकल्प रैली यात्रा इस रूप में रखा है। वो 70 विधानसभाओं में जाएगी। उसमें जिले के हिसाब से हम अपने नेताओं को भी डिप्यूट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस रैली की शुरुआत हम देहरादून में प्रदेश कार्यालय से पूजन करके शुरू करेंगे और उसके बाद हम उस रैली को दोनों मंडलों के लिए अलग अलग करेंगे। इससे अलग हमारे 70 जो रथ हैं वो तैयार हो गए हैं, उनको भी हम इसी सप्ताह में यहाँ से पूजन करके और 70 विधानसभाओं के लिए भेजेंगे। वो जो 70 रथ होंगे वो हमारे जो हमारा मैनिफेस्टो संकल्प पत्र बनेगा उसके लिए उस सुझाव पेटी का भी उसमें होगी। 15 दिन तक वो विधानसभाओं के अंदर जा जाकर सारे मोहल्लों में, वार्ड में, गाँव में, शहर में, कस्बों में, पंचायतों में सब जगह जाएंगे और वो सुझाव पेटिका में जो सुझाव होंगे उसके आधार पर हमारा मैनिफेस्टो बनेगा। सेकंड सप्ताह में दिसंबर के अपनी दो बड़ी कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। एक जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी संभवतः इसी सप्ताह में शुरू हो जाएगी, उसका नाम हमने विजय संकल्प रैली। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो अपनी चुनावी रणनीति है उसको बना चुकी है और ऐसे ही आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी यात्राओं के जरिए लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रही है, अपना जो एजेंडा है वो जनता के सामने रख रही है और कांग्रेस भी इसी कड़ी में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अब इस बार उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावों के साथ जनता के बीच में जनता को अपनी बात को लेकर के कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता इस बार किसको चुनती है, सत्ता में किसको बिठाती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उत्तराखंड का चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन यात्राओं के जरिए किस प्रकार से साध पाएंगे जनता को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यात्राओं का कितना असर होगा जनता के बीच में, इन यात्राओं का क्या इम्पैक्ट होगा, जनता इन यात्राओं से कैसे कनेक्ट होगी और कौन सी पार्टी इसमें सफल होगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब देखना यह है कि इन यात्राओं के माध्यम से अपनी बातों को कैसे जनता तक ये पार्टियां पहुंचा पाती हैं, इसी पर आज चर्चा करते हैं। दो मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र भसीन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सूरत नेगी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सूरत नेगी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। देवेंद्र भसीन जी, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अब आप लोग जिन यात्राओं के सहारे जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो मैसेज जनता को आप देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें किस तरह से आपकी इन यात्राओं को देखा जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो वादे आप लोग करके आए थे वो आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए हैं,
इन आरोपों को कैसे देखते हो, इन यात्राओं के क्या मायने समझे जाए, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। हम जिस दृष्टि पत्र के आधार पर इस चुनाव में 5 साल पहले आए थे, हम उसका रिपोर्ट कार्ड हमने जनता के सामने रख दिया है और 32 पेज की पुस्तिका और उसके अलावा एक और 6 पेज का फोल्डर जनता के बीच में घर घर संपर्क अभियान का एक हिस्सा है। उसमें साफ तौर पर हमने जो काम किए हैं उनका पूरा विवरण है। अगर किसी विपक्षी मित्र को दिखाई नहीं देता या उन्होंने नहीं पढ़ा है तो मेरी उनको राय ये है कि कोई भी आरोप लगाने से पहले कृपया अगर वे उसे पढ़ लेंगे तो उनकी शंकाएं दूर हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो हम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की देहरादून के अंदर एक विशाल रैली हुई है, इसके बाद अगली रैली जो है उनकी मऊ क्षेत्र में होने वाली है। और अभी जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारी जो रैली है विजय संकल्प रैली, जो विजय संकल्प यात्राएं हैं वो प्रारंभ होने वाली हैं, उनका प्रारंभ हम 10 दिसंबर को देहरादून में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेस वार्ता के साथ करने वाले हैं और अगले दिन हमारे प्रदेश कार्यालय में जो रथ हैं उनका पूजन होगा और उसके अगले दिन से जो है जो रथ हैं वो उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा करके करने के लिए जाएंगे। और ये हमारा सीधा सीधा एक जनसंपर्क अभियान भी अभियान के माध्यम से हम लोगों से जिस प्रकार घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, रैलियों के इस संकल्प यात्रा के माध्यम से भी हम संपर्क कर रहे हैं और उसमें हमारे कई राष्ट्रीय नेता उसमें भाग लेंगे, हमारे प्रदेश के नेता भाग लेंगे, स्थानीय स्तर के नेता भाग लेंगे और ये अपने आप में ये सीधा संदेश देने वाला होगा कि हमने क्या कुछ किया। और डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं उनके आधार पर किस प्रकार से प्रदेश ने प्रगति की है और एक नए आयाम स्थापित किए हैं और आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर इस प्रदेश को देश का। चलिए देवेंद्र जी, विपक्ष ने जो सवाल उठाया उसका जवाब देते हुए आपने ये बताया कि आपके आगे का एजेंडा क्या है, मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। नवीन प्रशाली जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। नवीन प्रशाली जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। लेकिन उससे पहले सूरत नेगी जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को बनाया था प्रदेश के अंदर, उन वायदों को वो पूरा नहीं कर पाई, जिस पर देवेंद्र भसीन जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो बाकायदा एक पुस्तिका जारी की, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको एक बार पढ़ लें। आपका एक रिएक्शन चाहूंगा और इसके अलावा आप लोग जिन यात्राओं के माध्यम से जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको किस प्रकार से देखा जाए, एक रिएक्शन उस पर भी आपका चाहता हूं। सूरत नेगी जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी 32 पेज की पुस्तिका छापे या 3200 पेज की पुस्तिका छापे, भारतीय जनता पार्टी मतलब रिपैकेजिंग करने की में माहिर है और अब जनता समझ चुकी है कि इनके जो खोखले वादे हैं वो वादे ही वादे रह गए, काम धरातल पर कुछ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी 2017 में देहरादून आए थे, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आज डबल इंजन की सरकार दीजिए, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार दी, तो आज तक न तो किसानों के कर्ज माफ हुए। उन्होंने कहा था कि 1 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष जो है नौकरी देंगे उत्तराखंड में, वो भी नहीं हुआ। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, पिछले 4.5 सालों में उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार एक भी परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पाई। तो जो 4.5 साल से हमारा बेरोजगार तैयारी कर रहा था उसके माता पिताओं पर उन पर क्या गुजरी है, और पिछले 4.5 साल में जो परीक्षाएं नहीं हुई, वो जो बच्चा जो है ओवर एज हो गया है उसके लिए ये क्या करेंगे। भ्रष्टाचार, आप ये देखें कि कोरोना में कुंभ में जो कोरोना टेस्टिंग थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, महंगाई चरम पर है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम विजय संकल्प रैली निकालेंगे, तो इनको तो पश्चाताप रैली निकालनी चाहिए और उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आपने प्रचंड बहुमत की सरकार दी थी, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और आपने उन 5 सालों में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, डबल इंजन की सरकार स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो ये इनको तो जो है विजय संकल्प नहीं बल्कि पश्चाताप रैली निकालनी चाहिए और उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, नवीन प्रशाली जी, अब किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के तो दावे करती हैं, चुनाव आते आते तो हम देखते हैं सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर उत्तराखंड की जनता क्यों देख रही है और यह दावा आपका मजबूत क्यों आपको नजर आता है, एक रिएक्शन में आपका इसके ऊपर जरूर चाहूंगा। बाकी जवाब भी दीजिए जो बातें अभी यहां सूरत नेगी या देवेंद्र भसीन जी की तरफ से कही गई। देखिए,
जी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता 20-21 साल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की शासन को देख देख के अब तंग आ चुकी है, और जिस प्रकार से उत्तराखंड में पीछे ढकेला गया, उत्तराखंड का दोहन हुआ, उससे आप साफ देखते हैं कि जो सत्ताधारी दल है इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सभाओं में खाली कुर्सियां और भाषण के बीच में उठकर जाती जनता ने साफ संकेत दे दिया है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के जुड़नों को ना तो सुनना पसंद करते हैं और ना ही उनका कुछ सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जो मुख्य वक्ता होते हैं कभी भी उनके भाषण से जब लोग जाते हैं तो इस बड़ा बुरा होता है, और भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में जनता उठने लगी और जनता खाली होगी परेड ग्राउंड में। दूसरा ये है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सरकार बदलने के अलावा एक और काम नहीं किया। पेज की पुस्तिका में क्या लिखा है वो तो बाद में पढ़ के देख लेंगे, लेकिन अगर 3 सरकारों का बखान उसमें किया होगा तो शायद 3200 पेज ही भर जाएंगे नाकामी के। लेकिन जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे पूरे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, और उत्तराखंड का चुनाव पहली बार 21 साल के इतिहास में मुद्दों पर होने जा रहा है। अगर मुद्दों की बात करें बिना उत्तराखंड की जनता के सामने कोई दल अब जा नहीं सकता, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि इन दलों ने कैसे हमारे साथ धोखा किया। किसी भी मामले आप बात करें, स्थिर सरकार की बात कही थी, गड्ढे भरने की बात कही थी, गड्ढे और छोड़ा हो गए, तीनों सरकारें बदल दी गई, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और हर कोई ये आप ये देखिए कि जो जो ये तीसरे ड्राइवर आए हैं धामी जी, उनको इनके नेता पुश कर रहे हैं बार बार पुश। आप देखते राजनाथ सिंह जी आए, उनकी पीठ दबा गए, पुश करके चले गए। दूसरे आपके अमित शाह जी आए, उन्होंने पुश किया। अभी मोदी जी आए तो वो भी पुश कर रहे हैं, लेकिन जनता कह रही कुछ कर धामी, आज महंगाई पर कुछ कर धामी, बेरोजगारी पर कुछ कर धामी, शिक्षा पर कुछ कर धामी, स्वास्थ्य पर कुछ कर धामी, तो कुछ कर धामी की आवाज आ रही है, लेकिन धामी जी घोषणा कर रहे हैं, उसके अलावा उनके पास है भी नहीं। और अब 1.5 महीने का समय बचा है, जनता जान चुकी है। काशीपुर और देहरादून की सभा ने ये जता दिया है कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती। देवेंद्र भसीन जी जवाब दें। देखिए मैं पहले तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि इतनी विशाल रैली अगर हमारे मित्रों को दिखाई नहीं देती तो ये अपने आप में अब क्या कहें, कोई नज़र का दोष है या उनकी पूर्वाग्रह है, एक बात। दूसरा आपने दोनों में अंतर देखा होगा कि दोनों मित्रों ने हमारे नकारात्मक बात की है, इन्होंने क्या कुछ किया कभी नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ किया नहीं, हमने जो किया हम बता रहे हैं आपसे, और 32 पेज की पुस्तिका रिकॉर्ड पर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारे जो कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, भाई आप तो वो पार्टी हो जो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगती हो, और हमारी पार्टी वो पार्टी है जो वन रैंक वन पेंशन देती है और सैनिकों के सम्मान में शहीद सम्मान रैली निकाल रही है। आपकी पार्टी तो भ्रष्टाचार में, जब आप सरकार में थे आपके मुख्यमंत्री स्टिंग में पकड़े जाते हैं, और हमारी जो पार्टी है आज जो प्रदेश को विकास की दिशा में डबल इंजन ले जा रहा है वो हमारे सबके सामने है। इसी प्रकार से हमारे जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं, ये जो उत्तराखंड के अंदर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 1 लाख रोजगार देंगे, तो इन्हीं की पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उसने 400 लोगों को रोजगार दिया है। यहाँ ये कहते हैं कि हम केवल 4000 को, 400 को। दूसरी बात ये कहते हैं कि मैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, वहाँ दिल्ली में उन्हें 4 आने का भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। माँ नंदा देवी का अपमान करते हैं, उत्तराखंड वासियों के गालियाँ देते हैं, और अब आकर के जब कोरोना काल में तो गायब थे ये, और अभी जो आपदाएं आई हैं, ना कांग्रेस का कोई नेता यहाँ आया, ना आम आदमी पार्टी का नेता आया, तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के नेता हों, हर सुख और दुख में साथ जनता खड़े रहे। और यही कारण है कि 2017 में ही हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि उसके बाद जितने 5 हमारे लोकसभा चुनाव हुए, हमारे विधानसभा के उपचुनाव हुए, हमारे जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास व्यक्त किया, हमें विजयी बनाया और कांग्रेस को तो नकार ही दिया। और आम आदमी पार्टी तो अभी भी आई है, पहले प्रयास करती रही है, अपनी जमे जड़े तक दिखा नहीं पाई, और अब ये इंतजार में है कि कहाँ से अपने 70 लोग कहाँ से लाएंगे। इनकी तो ये दिक्कत होगी सबसे बड़ी कि इनको 70 उम्मीदवार मिलने में मुश्किल हो रहे हैं, अब ये ताक रहे हैं कि यार कहीं से टूट करके कुछ लोग आ जाएं हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लें। एक आध इन्होंने तोड़ा भी था हमारा उपाध्यक्ष, तो वो उपाध्यक्ष वापिस चला गया ब्रिज पे, तो ये जमीन पे कहीं नहीं है। सच्ची बात यह है अगली सरकार पुणे श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में बनने वाली है। कांग्रेस चाहे जो मर्जी करे लेकिन उनकी सच्चाई सब लोग जानते हैं। राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और राम मंदिर का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी, इनके झूठे बातों पर उत्तराखंड की देवभूमि की जनता ठीक है। चलिए ये हम लोग छोड़ते हैं जनता पर, देवेंद्र जी हम लोग जनता पर छोड़ते हैं। सूरत नेगी जी जवाब दें।
जी डॉक्टर भसीन साहब हमारे आदरणीय हैं, पर वो कह रहे हैं कि इनको जो है नकारात्मक बात हम कर रहे हैं, और हम इनसे कहना चाहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन कांग्रेस के समय में शुरू हुआ, उसको आगे बढ़ाने का काम निश्चित तौर पर आपने किया। आप कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री के स्टिंग हुए, अरे स्टिंग करने वाले जो हमारे मुख्यमंत्री के स्टिंग करने वाले हैं उन्होंने आपके भी मुख्यमंत्री का स्टिंग किया, तो स्टिंग आप उत्तराखंड में ये स्टिंग का जो एक चलन चलाया वो आपने चलाया और आपके मुख्यमंत्री भी उसकी गिरफ्त में आए, उस पर आप कुछ नहीं कहते। सर्जिकल स्ट्राइक पर आप कहते हैं कि कांग्रेस सवाल उठाती है, हम कहते हैं कि आप सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते हैं, ये देश में पहली बार हुआ है कि आपने सैनिकों की शहादत पर वोट मांगा है। आप कफन पर जो है कमीशन, ताबूत में जो कमीशन था, कफन में जो कमीशन था वो आपकी सरकार के जमाने का है। कोरोना की आप बात करते हैं तो कोरोना में जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपके मुख्यमंत्री थे, वो जब उनको मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना के लिए जो है लोग चेक ले जाते थे तो मुख्यमंत्री लोगों से मिलते नहीं थे, एक लंबा चिमटा उन्होंने रखा हुआ था और दूर से ही वो चेक को चिमटे से पकड़ते थे। तो हमारा कहना यह है कि और जबकि कांग्रेस जो है माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में सड़कों पर रही है, जरूरतमंदों की मदद में आगे रही है, और आप कहते हैं कि राम मंदिर का विरोध करने वाले, अरे राम मंदिर का ताला तो सबसे पहले जो है कांग्रेस ने खुलवाया। आप राम मंदिर के समर्थक नहीं, राम मंदिर के चंदाखोर हो सकते हैं, चंदे से जो है आप लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, वो सबने देखा है कि कितना जो है जमीन के खरीद में आपने घोटाला किया है वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं, और अब उत्तराखंड की जनता हो चाहे भारत देश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि वो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार है, तमाम जो है उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, जनता को जनता जो है आपके शासनकाल में त्राहिमाम कर रही है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए और उबाऊ भाषण उन्होंने दिया, कोई नई बात उन्होंने नहीं की, जो 50 साल पुरानी योजनाएं शुरू थी, जो 2013 से जो सरकारें काम कर रही थी उनके सरकार के समय में जो काम हुए उन सबको जोड़कर आपने इतना बड़ा दिखाया, उसको इतना बड़ा दिखाया, 18,000 करोड़ आप वही है कि आप करते कम है और दूसरे का जो किया कराया है उसका श्रेय भी आप लेते हैं, तो ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे अब जनता आपके ढांचे में आने वाली नहीं है, न तो देश के लोगों के खाते में 15 लाख आए, न अच्छे दिन आए, चलिए ठीक है, देखते हैं किसके झांसे में आती है और किसके झांसे में नहीं, क्योंकि लोग अपनी बातों को रखते हैं और जनता कन्विंस किससे होती है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। नवीन परिशाली जी, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी भसीन साहब राम भगवान राम की बात कर रहे थे, मैं भसीन साहब को ये बताना चाहूंगा कि रामायण की एक चौपाई है, राम एक तापस के नारी, राम नाम कोटि हनुमंत सुधारी, तो उस राम के नाम को जानना जरूरी है, जब तक उस राम के नाम को नहीं जानोगे आप भगवान को जान नहीं पाओगे, और वो राम नाम रमता है जनता के हृदय में, तो जनता के दुख तकलीफों को जानना सरकार का सबसे बड़ा काम होता है। आप जनता के दुख तकलीफों को जाने बिना अपनी चला रहे हैं, अपना धन बल सत्ता बल का प्रयोग करके आप जो आकर्षण यहाँ बना रहे हैं, जब हम भ्रमण दिखा रहे हैं उससे अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता ने साफ बता दिया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जब भाषण कर रहे थे उस वक्त मुख्य प्रवक्ता थे आपके रैली के और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री थे, तो जनता ने दिखा दिया कि हम अब आपकी बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, या हमारे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, हम सुनना पसंद नहीं करते, हम आपको कोई सम्मान नहीं देते, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ संकेत है, इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपना खाता खोलने में नाकामयाब रहेगी। जो 60 का नारा है 6 में सिमट जाएगा ये तय है, ये ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। मैंने कहा कि 21 साल में पहली बार उत्तराखंड का चुनाव उत्तराखंड के मुद्दों पर होने वाला है, और उत्तराखंड के मुद्दे की बात ना तो कांग्रेस कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इनके बस का भी नहीं है। अगर उन मुद्दों का कोई जवाब दे सकता है, कोई हल निकाल सकता है, तो वह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो उस मकसद में लगे हैं, जो उस मार्ग पर लगे हैं। चलिए नवीन जी, ये आपने बड़ी बात कही कि मुद्दे की बात दोनों ही पार्टियां नहीं कर रहे हैं, मैं इस पर एक एक रिएक्शन लेता हूँ। देवेंद्र भसीन जी जवाब दें। हम तो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, आम आदमी पार्टी जो है केवल कृपया बंद हो लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने राम की बात तो करी, लेकिन वही केजरीवाल जी जो राम का विरोध करते थे आज माथा टेकने क्यों जा रहे हैं? आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। आज वो अयोध्या की तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं, वो क्या आपको समझ में आ गया है? आपको समझ में आ गया है अंततः राम के शरण में जाना ही पड़ेगा,
पहले आप राम जी का विरोध करते थे, अब राजनीतिक कारणों से हमारे राम आस्था का विषय है, आपके राजनीति का विषय हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे, चलिए देवेंद्र जी, अब किसकी शरण में जाने से किसको फायदा होता है ये भी हम जनता पे ही छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। श्रीनगर से खबर है, कर्नल अजय कोठियाल ने जनता को संबोधित किया है और कर्नल कोठियाल ने चुटकी भी लिया है, कहा है कि मंत्री जी का ऐप फेल हो गया है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई होती है, महंगी से महंगी कोचिंग मुफ्त दी जाती है और आप पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, जनता से किए गए वायदे हर हाल में हम पूरा करेंगे, ये बात भी कोठियाल की तरफ से कही गई। तो कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से एक जनसभा को करते हुए ये बड़ी बातें कही गई हैं, जिस पर उन्होंने चुटकी ली है, कहा है कि मंत्री जी का ऐप फेल हो गया है और कर्नल अजय कोठियाल ने जनता को संबोधित करते हुए इन बातों को कहा। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है, मिर्जापुर से बड़ी जानकारी है। पुआल में लगी आग की चपेट में तीन बच्चे आए हैं और आग से झुलसकर तीन बच्चों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी मिर्जापुर से है, पुआल में खेल रहे थे तीनों बच्चे और उस वक्त पुआल में अचानक से आग लग गई और इसकी जद में ये बच्चे आ गए, इस वजह से दर्दनाक हादसा हुआ और आग की चपेट में आने से इन तीन बच्चों की मौत हो गई है। मड़िहान थाना क्षेत्र के पचोखरा खुर्द गांव की घटना बताई जा रही है। आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। आकाश, पुआल में आग लगने की वजह से तीन बच्चे इसकी चपेट में आ गए, क्या जानकारी? अजीत, ये मामला जो मड़िहान थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक गांव में जो बच्चे खेल रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, 7 साल तक मैक्सिमम उनकी उम्र थी और खलियान में रखा था, तो खेलते वक्त किसी समय किसी बच्चे के द्वारा या कहीं से इस तरीके की आगजनी की घटना हो गई, जिसमें तीनों बच्चे जो है घिर गए आग में और जब तक ग्रामीण दौड़ते बचाते तब तक आग इतना विकराल रूप ले चुका था कि तीनों बच्चों की झुलस गई और झुलसने के बाद मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है, काल मौके पर जो है आला अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया है और जो भी उनके लिए जो सहयोग हो सकेगा शासन प्रशासन के स्तर पे वो कराने की बात उन्होंने कही है। बहुत शुक्रिया आकाश इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आग की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हुआ है, ये बड़ी जानकारी है मिर्जापुर से। पुआल में ही आपको बता दें कि ये बच्चे खेल रहे थे और उस वक्त ये इसकी चपेट में आ गए और ये हादसा हुआ और आग में झुलसकर तीन बच्चों की मौत हो गई। पुआल में ही बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे खेल रहे थे जिस वक्त अचानक से आग लगी और आग की चपेट में आने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मड़िहान थाना क्षेत्र के पचोखरा खुर्द गांव की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं मिर्जापुर से, जब पुआल में लगी आग की चपेट में तीन बच्चे आ गए और आग से झुलसकर तीन बच्चों की मौत हो गई। तो पुआल में ही ये तीनों बच्चे खेल रहे थे और उस वक्त आग पुआल में लगी और इसकी चपेट में आने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। मणिहान थाना क्षेत्र के पचोखरा खुर्द गांव की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, ये तस्वीरें हैं पुआल में जो आग लगी, इसमें तीन बच्चे जो कि यहीं पर खेल रहे थे बताया जा रहा है इसकी चपेट में आ गए और इसकी वजह से दर्दनाक मौत इन तीनों बच्चों की हो गई। और पुआल में आग किस वजह से लगी ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक बेहद दहला देने वाला हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, जब तीन बच्चे जो कि साग की जद में आने की वजह से झुलस गए और झुलसने की वजह से इन बच्चों की मौत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीन बच्चों की दर्दनाक मौत की तस्वीरें, पुआल में लगी हुई आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं और आग में झुलस कर इन तीन बच्चों की मौत हो गई है। मिर्जापुर से जानकारी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।